दोस्तों, क्या आपने कभी किसी तीन टांगों वाले इंसान के बारे में सुना है? जरूर नहीं सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने करीब 77 सालों तक पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। यह इंसान इटली का रहने वाला था, जिसकी दो नहीं बल्कि तीन टांगे थी। आज हम आपको फ्रांसिस्को फ्रैंक लेटिनी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने 18 मई 1889 को इटली के सिसिली द्वीप में जन्म लिया था। वह अपने 12 भाई बहनों में पांचवें नंबर के थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि लेटिनी की तीन टांगे, चार पैर और दो गुप्तांग थे। उसका चौथा पैर उसकी तीसरी टांग के घुटने के पास से निकल रहा था, हालांकि वह पैर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया था। कहा जाता है कि लेटिनी एक प्रकार के विकार से पीड़ित थे, जिसमें उनके शरीर से आधा जुड़वा बच्चा जुड़ा हुआ था। फ्रैंक लेटिनी को अपनी पूरी जिंदगी तीन टांगों, चार पैरों और दो गुप्तांगों के साथ ही गुजारनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि फ्रैंक ने अपने अतिरिक्त अंगों को हटवाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि अगर वह अपने अतिरिक्त अंगों को हटवाते हैं तो उन्हें लकवा मार सकता है, क्योंकि उनकी जो तीसरी टांग थी वो उनकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल पास थी। फ्रैंक जब 12 साल के थे तब उनकी मुलाकात बिसेंजो मैगनेनो नामक शख्स से हुई थी, जो उस समय एक सर्कस के मालिक थे। उन्होंने फ्रैंक को सर्कस में भर्ती होने का सुझाव दिया, जो फ्रैंक को अच्छा लगा। देखते ही देखते फ्रैंक सर्कस में दर्शकों की पहली पसंद बन गए थे। कई बार फ्रैंक अपनी तीसरी टांग का इस्तेमाल स्टूल की तरह किया करते थे और उस पर बैठ जाया करते थे। अक्सर लोग उनसे ये सवाल पूछते थे कि वह अपने लिए तीन पैरों वाला जूता कहाँ से खरीदते हैं। इस पर फ्रैंक जवाब देते थे कि वह हमेशा दो जोड़ी जूता खरीदते हैं। साल 1907 में फ्रैंक ने थेरेसा मूरे नामक महिला से शादी की थी, जिससे उन्हें चार बच्चे हुए थे, जिसके बाद फ्रैंक ने हेलेन शूपे नाम की महिला से शादी कर ली और मरने तक वह उसी महिला के साथ रहे। 21 सितंबर 1966 को अमेरिका के टेनिसी में 77 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी।